हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किताब को पढ़ने का सही तरीका क्या है। होता क्या फ्रेंड, हम लोग पूरे दिन भर पढ़ते हैं, दिन भर 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने के बाद पता चलता हम लोग को कोई भी चीज़ें याद नहीं है। मैंने जो कुछ भी पढ़ा कुछ भी मुझे समझा नहीं। फिर ऐसे होता पूरे मंथ हम लोग पढ़ते हैं फिर भी हम लोग को कुछ भी याद नहीं रहता और कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों हम लोग जो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता है और पढ़ी हुई चीज़ें समझ में क्यों नहीं आती है। इतना मेहनत करने के बाद भी हम लोग का जो आउटपुट निकलना चाहिए, मेहनत करने के बाद जो मुझे उसका फल मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिलता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। लेकिन कभी आपने ये सोचा फ्रेंड कि आप जो बुक पढ़ रहे हो क्या पढ़ने का सही तरीका क्या? हम तो बुक उठाते हैं ऐसा रीड करते चले जाते हैं, पूरे दिन भर पढ़ते हैं, लास्ट में हम लोग को पता चलता है कोई भी चीज़ें याद नहीं है। तो क्या आपने सही तरीके से बुक को पढ़ा है? क्या जैसे टॉपर लोग बुक को पढ़ते हो आपने उस तरीके से बुक को पढ़ा क्या? हो सकता है आप ऐसी गलती करते रहो फ्रेंड की जो पढ़ने का बुक पढ़ने का सही तरीका हो आप सही तरीके से नहीं पढ़ाई करते रहो। तो फ्रेंड, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड, और वीडियो काफी हेल्पफुल है, आपको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। शेयर करके इस वीडियो को आप सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि बुक पढ़ने का सही तरीका क्या है, कैसे हम बुक को पढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड, चल मान लेते एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पहले कॉमर्स के बुक के से बताता हूँ। आपका कोई भी सब्जेक्ट रहे, किसी भी सब्जेक्ट को इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग, जैसे जहां पे आपको सिलेबस दिया रहता है बुक में वहां पे जाना है। मान लो मुझे फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग पढ़ना है, तो यहाँ पे देखने का कि इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपको इधर चैप्टर में स्टडी करने से पहले आपको सिलेबस को गो थ्रू कर लेना है। यहाँ पे फर्स्ट सिलेबस में क्या दिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग रिसर्च, कंज्यूमर बिहेवियर। अभी सबसे पहले आपको ये तीनों का मतलब जान लेना है। यदि आपको ये चीजें पता है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है और कंज्यूमर बिहेवियर, ये 3 मेन पॉइंट आपको पता चल गया, फिर आपको चैप्टर में जाना है। यदि नहीं आपको ये चीजें पता नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बुक से कई इसके बारे में रिसर्च करना है। आप नेट से सर्च मार के देख सकते हो कि मार्केटिंग होता क्या है, इसका हिंदी में मतलब आप देख लो, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में देख लो, मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है आप नेट से सर्च मार के ये सब चीजें समझ लो, पहले पॉइंट समझ लो। अभी हम लोग आते हैं सिलेबस में। जैसे आप चैप्टर ओपन करते हो, चैप्टर ओपन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टडी करना चालू कर देते हैं। पूरे दिन भर हम लोग ये सब पढ़ते रहते हैं, सब पढ़ते रहते हैं, ऐसे पढ़ते रहते हैं, ये सही तरीका नहीं है। आप चैप्टर ओपन किए, चैप्टर ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले एक एक पॉइंट को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट और फीचर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस मार्केटिंग का क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पहले नॉलेज लेना हर एक पॉइंट्स के बारे में। MIS क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ MIS क्या है, आपको इस चैप्टर के अंदर कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, कंसेप्ट क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, सेगमेंट क्या है, बेस ऑफ मार्केट सेगमेंट क्या है, ये सब चीजें पहले आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा इसको नेट से सर्च मार के पढ़ो, कहीं से आप इसके बारे में बेसिक डिटेल निकालो। इसके बाद इसके अंदर के सब पढ़ने से पहले आपको इस चैप्टर के लास्ट में जाना है, और लास्ट में जाने के बाद आपको पता करना है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। यदि आपको चीजें पता रहेंगी, आप उसके बाद स्टडी करोगे तो आपको जो चीजें रहेंगी वो समझ में आएंगी और उसका मतलब रहेगा, पता चलेगा और आपको चीजें याद रहेंगी। जैसे मान लो मैं इस चैप्टर में आ गया, तो सबसे पहले चैप्टर में आने के बाद हम लोग इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा, डिफाइन द मार्केटिंग, एक्सप्लेन फीचर्स, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। आपको इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसको पढ़ लेना है। एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन को आपने रीड मार लिया। अभी ये पढ़ने के बाद आपको आ जाना है इस चैप्टर के अंदर, फिर यहां से आपको मीनिंग पढ़ने हैं, जो भी फीचर्स पूछा गया था फीचर्स पढ़ने हैं। आपको किसी पॉइंट का मतलब नहीं समझता है,
आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है फ्रेंड, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नेट से सर्च मारना और वो पॉइंट्स को, फिर ये सही तरीका आपको स्टडी करने का, सिलेबस को गो थ्रू करो, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो पढ़ो, उसके बाद एक एक करके पॉइंट पढ़ो और उसको नेट से सर्च मार के कुछ डाउट रहे तो क्लियर करो फ्रेंड। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ा हुआ हर एक चीजें समझ में आएंगे और याद रहेगी, और बुक पढ़ने का यही एकमात्र सही तरीका है। थैंक यू सो मच फ्रेंड। लास्ट में मैं आपको एक बार और बता देता हूँ फ्रेंड, यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना और इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए शेयर जरूर करना। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए आप इसके ऊपर कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच।